हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की लच्छेदार बर्फी, वो भी बिल्कुल हलवाई के स्टाइल की। और इसमें हम मावा का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो आइए लौकी की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। लौकी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे 2 बड़ी चम्मच, और इसको मेल्ट होने देंगे, हल्का गर्म होने देंगे। उसके बाद कद्दूकस की हुई लौकी को इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 किलो लौकी ली है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और ये कच्ची लौकी है। और इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है एक कपड़े में लौकी को डालकर, जिससे ये जल्दी पक जाए, जल्दी गल जाए। और ये हमारी भुन चुकी है, 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करेंगे। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी लौकी लगभग गल चुकी है। इसी तरीके से हमें इसको पकाना है। और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, 1 कप दूध डालेंगे हम इसमें। देखिए, ये मैंने दूध डाल दिया। अब हम इस दूध को इस लौकी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें हम मावा ऐड नहीं करेंगे। तो हल्का दूध डालने से इसमें अच्छा टेस्ट बन जाएगा। और ये हम चीनी डालेंगे 3/4 कप, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो चीनी। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे लौकी में। हमें बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें इसे ढककर पकाना है, और बीच बीच में चेक करते रहना है। तो देखिए, हम इसे ढक देते हैं, और 2-2 मिनट के अंतराल में हमें इसको चेक करते रहना है बीच बीच में। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम से हाई रखना है। तो देखिए, काफ़ी हद तक हमारा दूध गल चुका है, जल चुका है। तो अब हम इसको फिर से ढक देंगे एक बार और 2-3 मिनट के लिए, और फिर चेक करेंगे। तो देखिए, हमारी लौकी में से दूध बिल्कुल जल चुका है, पक चुका है। और ये हमारी लौकी का हलवा लगभग तैयार है। पर अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है। तो हम इसमें सबसे पहले तो फूड कलर ऐड करेंगे, ग्रीन फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहते तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हल्का सा पकाना है इसे मिक्स करने के बाद। और हमें फूड कलर, मैंने इसको हल्का सा पानी डालकर यूज में लिया है। देखिए, ये मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1/2 कप, जिससे इसमें मावे वाला टेस्ट आए। तो इसे भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। और गैस का फ्लेम हमें अब कम कर देना है, मीडियम कर देना है, लो टू मीडियम। और इसे इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, जिससे ये तले में नहीं लगे। तो देखिए, ये कढ़ाई छोड़ने लगी है लौकी। सेम ऐसे ही हमें इसे पकाकर तैयार करना है। तो देखिए, हमारी लौकी की बर्फी का मिश्रण बनकर तैयार है। इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हम बर्फी जमाने के लिए एक टिन तैयार करेंगे। आप कोई ट्रे भी ले सकते हो। ये मैंने केक टिन लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था अच्छे से घी से ग्रीस करके, और टिन को भी ग्रीस कर लिया था। और देखिए, ये मैंने इसमें लौकी की बर्फी का मिश्रण भी डाल दिया है। और अब हम इसे फैला लेंगे। इसमें हमें इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है किसी भी चम्मच की सहायता से। तो देखिए, ये मैंने फ्लैट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ये मैंने बादाम लिए इस तरीके से पीसेज में कट की हुई, इसको हम इस पर अच्छे से फैला लेंगे। और उसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से, जिससे ये इसमें अच्छे से सेट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमें किसी भी चम्मच की सहायता से इस पर प्रेस करना है। तो देखिए, ये सेट कर दिए मैंने। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे साइड्स को चाकू की सहायता से।
और एक प्लेट पर इसे उलट देंगे इस तरीके से टैप करके। और अब हम बटर पेपर हटा देंगे और इसको दूसरी प्लेट में फिर से पलट लेंगे। और अब एक चाकू लेंगे और उसकी सहायता से हम किसी भी पीसेज में कैसे भी पीसेज में कट कर लेंगे। तो देखिए मैं ट्रायंगल शेप में कट करूँगी। तो ये हमारी लौकी की बर्फी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।